हाय फ्रेंड्स, निर्मल क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ सूरत के फेमस स्ट्रीट फूड के साथ, वो है चीज़ पनीर घोटाला। आज मैं इसे पालक के कॉम्बिनेशन के साथ बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड है। इसे मसाला पाव, नान, कुलचा, पराठा, रोटी सबके साथ बहुत टेस्टी लगता है ये। अभी मैंने कढ़ाई में एक बड़े चम्मच जितना बटर लिया है और 3 चम्मच जितना तेल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जी, जीरा जैसे ही फूटने लगेगा हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट। इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। फिर से हम डालते हैं कटा हुआ प्याज। थोड़ी देर प्याज को होने देंगे। जैसे ही सॉफ्ट और थोड़ा कलर चेंज होने लगे हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर। ये दोनों को अच्छे से मिलाकर फिर फ्यू सेकेंड्स के लिए हम इसको होने देंगे। ये थोड़ा सा गल जाए तो उसके बाद में हम डालेंगे इसके रेगुलर मसाले। हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। नमक के बारे में ये कहना है कि मैंने अमूल बटर लिया था इसलिए मैं कम नमक डाल रही हूँ। अगर आप लोग सादा बटर ले रहे हैं तो आप उस हिसाब से नमक डालिएगा, नहीं तो आपका सब्जी खारा हो जाएगा। अभी हम इसमें सब मसाले डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। फिर एक पाव भाजी मैशर लेंगे और उससे ये पूरी सब्जियां जो हमारी है मैश कर लेंगे ताकि हमारे मसाले और हमारी सब्जी एकदम अच्छे से इसका बाइंडिंग हो जाए। इसके बाद में हम डालते हैं चाट मसाला और जो हमने धोकर रखी है पालक उसे हम काट कर इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे भी हम थोड़ा 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि पालक में भी हमारे सब मसाले लग जाए और ये थोड़ी सी गल जाए। उसके बाद में अभी इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप जितना पनीर और ग्रेट किया हुआ चीज़। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम 1/2 कप जितना पानी डालेंगे। पानी डालकर हम मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे लास्टली 1/2 चम्मच जितना किचन किंग मसाला। बाद में इसको थोड़ी देर के लिए ढक के हम होने देंगे और हमारी पालक चीज़ पनीर घोटाला तैयार है। इसे अंडे के कॉम्बिनेशन में, पनीर के कॉम्बिनेशन भी बनाया जाता है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसका आया है। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।